गोसीकुंड परियोजना की दाहिनी मुख्य नहर के गर्मी के मौसम में पानी छोड़ने का मामला युवा सेना के तालुका अध्यक्ष मुन्ना तिगरे द्वारा भंडारा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर के संज्ञान में लाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि शून्य से 30 किलोमीटर तक पानी देने की अनुशंसा की गई है। कई वर्षों से महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जा रही गोसीकुंड परियोजना किसानों का तारणहार रही है और लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में आ गई है। हालांकि सिंचाई विभाग द्वारा 12 मासी सिंचाई प्रणाली उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों के लिए गर्मी की फसल लेना संभव नहीं है। नतीजन अपनी आजीविका के लिए कृषि व्यवसाय पर निर्भर किसानों की वार्षिक वित्तीय योजना ठप हो गई है। पवनी तालुका युवा शिवसेना के तालुका प्रमुख मुन्ना तिगरे के बाद एक आंदोलनकारी भूमिका निभाई और मामले को भंडारा विधायक नरेंद्र भोंडेकर के संज्ञान में लाया। नतीजन सहायक अधीक्षक अभियंता गोसीकुंड परियोजना बोर्ड नागपुर ने शून्य से 30 किलोमीटर की दूरी तय की है। युवा सेना के तालुका प्रमुख मुन्ना तिगरे ने एक संवाददाता सम्मेलन में आशा व्यक्त की कि सावला भुयार क्षेत्र के किसानों को सकारात्मक निर्णय लेने के बाद नहर का पानी मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा सेना तालुका प्रमुख मुन्ना तिगरे, विधानसभा प्रमुख बालू फूलबंदे, जिला आयोजक अनिल धकाते, पवनी शहर के प्रमुख देवराज बावनकर, शहर के आयोजक नामदेव सूरकर, बालू मुंडले, जागेश्वर बावनकर, भाग्यवान भाजीपाले, दिलीप हटवार, तालुका प्रमुख प्रशांत भूते, भानुदास खोबरागड़े, गणेश मुंडले, गणेश जाम्बुल्ले, शिवशंकर पडोले और अन्य ने भाग लिया। गोसीकुंड प्रकल्पाच्या मुख्य सहाय्यक अधिकाऱ्यांनी नागपूरवरून आम्हाला एक पत्र दिला की उन्हाळीला पाणी मिळणार की नाही मिळणार ही आमची मागणी होती। उन्हाळीला पाणी पाहिजे म्हणून त्या संदर्भात आज त्यांनी पत्र काढून असे कळवलं की आम्ही वरिष्ठाकडे पाणी देण्यास काही अडचण नाही, शून्य ते 30 पर्यंत उजव्या कालव्याला, त्यामुळे आज पत्र देऊन आश्वासित केलं आम्हाला का सावरला जिल्हा परिषद व भुयार जिल्हा परिषद क्षेत्रातले उजव्या कॅनलच्या बाजूच्या गावांना पाणी उन्हाळीसाठी मिळणार अशी आश्वासनपर पत्र आम्हाला डिपार्टमेंटने दिली। पवनी से BCN न्यूज के लिए प्रदीप गाडगे की रिपोर्ट।